अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों और सड़क पार बसने वालों, मैं हूँ सबा सिकंदर, सोशल एक्टिविस्ट एंड यूट्यूबर। मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए, कुछ भी मिल जाएगा। जैसे कि मुझे कुछ मिल गया आपसे शेयर करने के लिए। मैंने कहा था कि ड्रामाज और फिल्मों पर रिव्यू हम देंगे कुछ आने वाले दिनों में, लेकिन इतनी जल्दी देना पड़ जाएगा मैंने सोचा नहीं था। वेल, बताती चलूँ मैं आपको, एक और बंटवारे की उठाती आवाज़, यह इंडिया, यह इंडिया का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर में रखा मुतजाद बयान। हैरानी होगी आपको ये सुन के कि एक और नया पाकिस्तान बनाने की बात की जा रही है। अगर कानून और व्यवस्था सबके लिए एक समान है ही नहीं, तो बना दीजिए एक नया पाकिस्तान और निकाल फेंकिए बेबस और लाचार लोगों को। पाकिस्तान ने लिया ट्रेलर को आड़े हाथों। वेल जी, कहते हैं ना कि आसमान में हर चीज चमकने वाली सितारा नहीं होती, और अगर भारतीय सितारे बल्कि बॉलीवुड की बात की जाए तो बिल्कुल भी नहीं। बॉलीवुड जो कि साल में 1000 से ज्यादा फिल्में बनाता है, और बॉलीवुड पाकिस्तानी अदाकारों और पाकिस्तान को वक्तन फवक्तन कमतर दिखाने में कभी भी पीछे नहीं रहा, चाहे वो पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन करना हो या फिर अपनी बॉलीवुड फिल्मों के जरिए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी को नीचा दिखाना हो यानी कमतर दिखाना हो, बॉलीवुड और हिंदुस्तान मीडिया कभी भी कसर नहीं छोड़ता। वेल, हाल ही में एक बॉलीवुड फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, यह है इंडिया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेलर में हिंदुस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने कभी भी किसी देश पर कभी हमला नहीं किया। हमने कभी भी आगे बढ़कर पहल कर किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, ये है इंडिया। अब बताइए भला, इतनी जल्दी अभिनंदन वाला वाक्य कैसे भूल गए? IEF ने इंटरनेशनल वायलेशन का ब्रीच करते हुए पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की और हमने उनके दो जहाज मार गिराए। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि पाकिस्तान ने फिर भी अपने पाक मंसूबों का सबूत देते हुए पीस का पैगाम पहुंचाते हुए अभिनंदन को उसके मुल्क वापस सौंप दिया, इंडिया रवाना कर दिया। अब भला बताइए, एक तरफ तो खुद पहल करके हमला करते हैं और दूसरी तरफ अपनी फिल्मों में कहते हैं कि हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। खैर छोड़िए, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान एक तरक्की पसंद और खुशहाल मुल्क है। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि हिंदुस्तान अपनी फिल्मों के जरिए अपने आप को शेर साबित करने में क्यों लगा है। पहले उड़ी बनाकर अपनी भोली भाली अवाम को बेवकूफ बनाया और अब ये है इंडिया। वाकई में शराब सही टाइटल रखा है आपने, ये है आपका इंडिया, ये है आपका भारत, ये है आपका हिंदुस्तान, कुछ भी कह लें। लेकिन हम इनकी गिदड़ भक्तियों में, इन छोटी छोटी बातों में, साजिशों में नहीं आने वाले, ना कभी डरे हैं और ना डरेंगे। हिंदुस्तान यूं ही अपनी जनता को, अपनी आवाम को अपनी फिल्मों के जरिए खुश करता रहेगा और दिल बहलाता रहेगा, यूं ही बेवकूफ बनाता रहेगा। लेकिन यह है इंडिया फिल्म बड़ी ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है। लगता है डायरेक्टर का पूरा पूरा प्लान है आग लगाने का, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट एक था टाइगर जिंदा है, वे बन चुके हैं गैवी चाहल, यह है इंडिया के हीरो, यह है इंडिया की मेन लीड पे है। लगता है आज भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, जैसे कि इस मूवी के बनाने वाले। खैर, अब देखना होगा कि पाकिस्तानी एजेंट हिंदुस्तान में जाकर क्या कबाड़ा करता है। वेल जनाब, ये था ये है इंडिया का रिव्यू जो कि ट्रेलर देखने के बाद मैंने दिया। अब आपके फीडबैक का, आपके रिव्यू का रहेगा मुझको इंतजार। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ये मूवी देखें, ट्रेलर देखें और बताएं कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।